आज इस बैग को ओपन करके दिखाऊंगा। यह मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 680 रुपए में, तब ऑफर चल रहा था, लेकिन अभी इसका कीमत तकरीबन 950 के आसपास हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करके देखते हैं। तो ये रहा वो बैग, ये काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है और बहुत हल्का भी है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है। ये रहा वो बैग, एक सेकंड रुकिए, मैं ये लाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरह से दिखाई दे। तो ये रहा वो बैग, फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है ऑनलाइन से। इसका ये स्ट्रैप भी बहुत अच्छा है, मज़बूत है और काफ़ी कंफर्ट है लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि आराम से दो कैमरा का बॉडी आ जाएगा लगता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, इतना ख़राब भी नहीं है। मैंने तो सोचा था काफ़ी ख़राब होगा, इसका इतना भी ख़राब नहीं है। देखते इसके अंदर में क्या दिया हुआ है। और एक रेन कवर है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड, चार्जर, ये सब रखने की जगह दिया हुआ है, ये भी अच्छा है। इसका नेट भी बहुत अच्छा है, मज़बूत है। इसमें आप मेमोरी कार्ड, चार्जर, बैटरी, कैमरा का छोटा मोटा जो एसेसरीज होता है वो सब रख सकते हो। ये एक बड़ा सा पॉकेट है, इसका जिप भी स्मूथ है, और ये रेन कवर है। अगर बाहर बारिश हो रहा हो तो इससे आप बैग को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन लाइट रेन में ही ये काम करेगा, हेवी रेन में काम नहीं करेगा लगता तो है। इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है उसका। और ये है सब पैड है, इससे आप बैग के अंदर चैम्बर बना सकते हो। और ये जितना बड़ा है वैसा ही जैसा सोचा था, दो कैमरा का बॉडी, दो लेंस, ये सब आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। और ये सब जो पैड है इससे आप ऐसे चैम्बर बना सकते हो, बना के आपके हिसाब से एडजस्ट करके कैमरा का बॉडी, लेंस, ये सब रख सकते हो इसके अंदर। इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। ये साइड में वाटर बोतल रखने की जगह है, और ट्राईपॉड रखने की भी जगह है, यहाँ पे ट्राईपॉड और वाटर बोतल कैरी कर सकते हो आप। तो चलिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय।